किसी ने चेन पुलिंग कर दी थी वाले 15 मिनट में चंडीगढ़ सबसे पहले मैं अनअकैडमी को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है माधव सोनी एंड आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट एट धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। और अगर आप भी मेरी तरह किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको भी मेरी तरह क्लैट या एलिट जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दीज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अब आपको किसी बड़े शहर जाके किसी महंगी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करने से यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन ऑल्सो। अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टू यू एट योर होम। एंड अपार्ट फ्रॉम क्लैट, अनअकैडमी ऑफर्स यू वेरियस अदर ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो लाइक JEE, NEET एक्सेट्रा। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर वेबसाइट। टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज द की टू सक्सेस। That's why an academy conducts a separate session for strategy discussions. इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में कोई भी डिफिकल्टी या डाउट आता है तो आप डायरेक्टली अपने मेंटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो प्लीज चेक आउट देयर वेबसाइट। भाई टाइम हो रहा है सुबह के 4 और मेरे को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उस टाइम पे जब नींद आई थी जब खुल गई और उसके बाद मस्ती करने में लग गए, बाकी सारे लोग सो गए, बस मेरे को ही नींद नहीं आ रही। गर्मी लग रही है यार एक्चुअली इसी में उठने के बाद भी। और जो आपने अभी लास्ट में व्लॉग में देखा होगा, इसके अलावा भी और भी सारे बच्चे हैं, सब अपने अपने कंपार्टमेंट में चिल कर रहे हैं। और जो लोग मेरे कंपार्टमेंट थे, मैंने ट्राई किया जितना हो सके दिखाने का। एक्चुअली होता है क्या, जब फनी मोमेंट आता है ना, जब तक आप कैमरा ऑन नहीं कर पाते और वो ऊपर मिस हो जाता है उसके बाद ऑन करें, तो जितना ट्राई हुआ मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। The next morning. भाई बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी, बट ये दोनों और इंक्लूडिंग अर्चिता और कुछ लोग ग्वालियर और मुरैना से बोर्ड किए थे ट्रेन में, तो जिन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से नींद भंग की, तो बड़ी मुश्किल से मैं शांति में दोनों के पास आके सोया था। भाई अब उठाऊ में सो गया था मैं। पानीपत आ गए यार, ट्रेन में कॉफ़ी ना मिल रही है ना चाय मिल रही है, स्टेशन पे भी नहीं दिख रहा है कोई। भाई अभी इसलिए पता नहीं किसी ने चेन पुलिंग कर दी थी तो ट्रेन 5 मिनट तक खड़ी रही लगभग, और RPF के 2 पुलिस वाले लास्ट पीछे से दौड़ के बिल्कुल आगे तक गए और ट्रेन में चढ़े हैं कि भाई चेक करने किसने चेन पुलिंग की है। मतलब इतना ज़्यादा सीरियस इशू है यहाँ पे यार, वहाँ अपने एरिया में कोई हो जाती है नॉर्मल ज्यादा इशू नहीं रहता। तो भाई गलती से भी कभी भूल के चेन पुलिंग मत कर देना यहाँ पे, अंटिल अनलेस भी जेन्युइन इशू हो, फालतू इशू के लिए मत कर देना कि तो सीरियस इशू होता भी। बड़ी मुश्किल से अम्बाला आके चाय मिली है और वो भी एडिप वाली। अपने अपने फोन में लगे हैं। अब चिता कुछ चल पहुँचने वाले 15 मिनट में चंडीगढ़, सारे बैग सारे लोग पहुंच गए चंडीगढ़। इसलिए ऑडियो बुक कर रहे हैं, वेटिंग रूम में नहीं ना आ सकते। आओगे तो 1 एकड़ कम होनी, लेकिन सुविधा सब होनी।
सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के दो, बट हमारी मनाली के लिए जो बस है वो शाम को 6 बजे है। सो इतनी देर के लिए हम लोगों ने होटल में रूम वूम बुक कर लिए हैं ताकि फ्रेश व्रेश वगैरह हो जाए। भाई रूम में आ गए, बेसिक सा रूम ले लिया अभी फ्रेश होने के लिए। सर कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा माधव कवरेज करो। ये सही है ना? अभी ये छोटा है थोड़ा सा, लेकिन उससे ठीक है। कम से कम स्मेल तो नहीं आ रही भाई स्मोकिंग की। हाँ और बस 2-3 घंटे का तो काम है। होटल में चेक इन कर लिया था फ्रेश होने के लिए। तो अभी 3 बज गए और शाम को 6 बजे पिकअप है हमारा यहाँ से मनाली के लिए। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस दैट्स इट, बाय।